हेलो, नमस्कार दोस्तों। 14 फरवरी 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल के साथ मेंसा क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करते हैं। तो देखो, आज जो मेंसा क्वेश्चन है वो भी मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ, तो वो मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा और फेसबुक पेज पे, तो वहां से आप क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट वो कर सकते हो। आज का जो करंट अफेयर है, जो क्वेश्चन है, वहीं से आपको क्वेश्चन है वो मिलेगा। तो उसके लिए आपको पॉइंट्स वगैरह आराम से इजिली मिल जाएंगे, तो उसमें आपको आई होप आपको कोई दिक्कत है वो नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं आज डिस्कशन की तरफ कि कौन कौन सा एडिटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ये मेरे लिए बिग डाटा को लेके आए हैं। तो इस आर्टिकल में लिए जो पॉइंट्स हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हम उन पॉइंट को यहाँ पे एक एक करके नोट डाउन कर लेंगे। तो ये बिग डाटा से संबंधित जो ये आर्टिकल है, ये GS3 के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो होता है। तो अब देखते हैं इस आर्टिकल में सबसे क्या क्या अच्छे अच्छे पॉइंट है। सबसे पहले देखो, बात ये कही कि बिग डाटा होता क्या है, आपके दिमाग में यह होगा, तो इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। और बिग डाटा का मतलब नाम से एक चीज तो पता चल रही कि डाटा है उसकी अमाउंट काफी बड़ी है, काफी लार्ज स्केल पे डाटा है वो होता है। देखो, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लग सकते हो कि जब आप कोई भी जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट, कोई भी ऐसी वेबसाइट है, अगर आप उस पर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो कि जूते वगैरह आपको खरीदने कुछ भी, तो होता है क्या आपको उसके बाद अगर आप एक बार से सर्च कर लिया, उसके बाद आपको जो शूज आपने एक बार सिलेक्ट किए हैं वही शूज आपको कोई भी अगर वेबसाइट आप खोलोगे तो उसमें एडवर्टाइजमेंट के तौर पर आपको वही वो शूज है वो शो करेगा कि फ्लिपकार्ट पे इतने का मिल रहा है, अमेजोन पे इतने का मिल रहा है, इस साइट पे इतने का मिल रहा है। तो मतलब हुआ क्या, एक तरीके से बड़ा सा डाटा है वही होता है बिग डाटा। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि कंपनियां क्या करती हैं, इस जो डाटा होता है, हम जो भी सर्च वगैरह कर रहे हैं इस डाटा को एक तरीके से एनालिसिस करते हैं। ये तो केवल मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताया, बाकी और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहो तो पॉलिटिकल पार्टियां भी इसका यूज करती हैं। इवन बीजेपी का एग्जाम्पल ले लो, बीजेपी भी जब भी इलेक्शन वगैरह होते हैं, कांग्रेस के जब भी इलेक्शन होते हैं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, बहुत सारे ट्वीट किए जाते हैं इनकी तरफ से, बहुत सारे लोग हैं इनके बारे में कमेंट वगैरह करते हैं। तो होता क्या है कि अगर इन सारे कमेंट्स को अगर एनालिसिस किया जाए तो बीजेपी और कांग्रेस या पोलिटिकल पार्टी पता लगा सकती है कि हाँ भाई हमारे लिए लोगों के मन में क्या डिमांड हो, लोगों के मन में हमारे दिमाग नहीं लोग सॉरी कि लोगों के दिमाग में हमारे लिए क्या क्या सोच है और हमें किसी के चेंजेस करने हैं। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां उन टूल्स का यूज करती हैं। तो मतलब बड़े डाटा होता है ना, उसके दो तीन फीचर्स होते हैं। पहली बात तो दो तीन खासियत होती है सॉरी पहला तो होता है कि काफी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब काफी एक तरह से घोचपोच होती है सब कुछ अंदर। दूसरी बात ये होती है कि वॉल्यूम मतलब एरिया काफी बड़ा होता है, बहुत सारी डाटा है वो बहुत लार्ज लेवल पे होता है। तो दो तो ये होते हैं। इसके बाद में देखो, मेन जो करेक्टरिस्टिक देखा जाए तो सबसे बड़ी बात होती है वॉल्यूम, जो हमने देखा कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा होती है और वेरायटी भी बहुत ज्यादा होती है। वेरायटी का मतलब देखो ये हुआ कि जैसे अपन एग्जाम्पल लेते कि पॉलिटिकल पार्टी का, कि पॉलिटिकल पार्टी का एग्जाम्पल हम ले रहे थे, तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अगर कोई भी ट्वीट किया जा रहा है तो ये तो यानी कि सारे ट्वीट हों एक जैसे होंगे कि हाँ भी कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी अच्छी, ऐसा तो यानी कि एक जैसे ट्वीट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के ट्वीट होंगे, कोई बताएगा ये कमी है, कोई बताएगा ये कमी है, कोई बताएगा ये अच्छा ही है, कोई ये बुरा ही है। तो होगा क्या, मतलब डिफरेंट तरह की वेरायटी है, डाटा काफी कॉम्प्लेक्स है और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। तो इन सबको मिला के बन रहा है बिग डाटा। अब देखो, आर्टिकल ये कह रहा है कि अगर इन सारी चीजों को अगर ढंग से यूज किया जाए, अगर इस बिग डाटा को प्रॉपर ढंग से एनालिसिस किया जाता है तो यह काफी फायदेमंद हो सकता है, बट अगर इसका कहीं ढंग से यूज नहीं किया जाता तो काफी नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। क्योंकि इस डाटा को अगर एनालिसिस करना है तो उसके लिए बहुत लार्ज लेवल के काफी बड़ा एक तरीके से प्रोजेक्ट लाना होता है और बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की जरूरत होती है, तभी जाके ये प्रोजेक्ट सफल हो पाते हैं। इसके बाद में देखो, राइटर ये कह रहे हैं कि जैसे बड़ी कंपनी, आप एग्जांपल ले लो अमेजोन या एप्पल का, किसी का भी, अब गूगल का एग्जांपल आप ले सकते हो रिसेंटली, कि गूगल क्या करती है, गूगल अपने प्रोडक्ट्स हैं उनके, जैसे हम कई बार गूगल पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, गूगल का गूगल पिक्सल 2 या गूगल का कोई भी फोन वगैरह, कोई भी नई चीज है, तो होगा क्या, गूगल उस चीज़ के बारे में पता लगा ले कि अच्छा अच्छा लोग इस तरीके की चीज़ें सर्च कर रहे हैं, मतलब हमें हमारी टेक्नोलॉजी में इस तरीके के कुछ चेंजेस करने होंगे तभी हमें इस चीज़ का फायदा होने वाला है। तो एक तरीके से ये भी एक बिग डाटा की एग्जांपल है कि मतलब कंपनियां इसका करती हैं, लोगों की चॉइस है उसको देख लेती हैं कि अच्छा लोगों को इस चीज़ की जरूरत है और फिर उसी के अकॉर्डिंग वो स्टेप है वो उठाती हैं। आप अभी रिसेंटली iPhone 10 का एग्जाम्पल ले सकते हो कि अभी एप्पल कंपनी क्या किया, एप्पल कंपनी ने iPhone 10 लॉन्च किया, उसके बाद उसने देखा है कि हाँ भाई मार्केट में लोगों के रिव्यू वगैरह सारी चीज़ें क्या चेक की हैं कि अच्छा लोगों इस तरह के रिव्यू दे रहे हैं, लोगों की ये डिमांड है, दूसरे फोनों की ये खासियत ज़्यादा उनको अच्छी लग रही है, इसलिए लोग इस फोन के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट है। तो मतलब क्या कि सारी कंपनी एनालिसिस करवाती है, तरीके सर्वे हैं, रिव्यू वगैरह इन सब का, और फिर उस डाटा को यूज किया जाता है नेक्स्ट फोन जनरेशन में या नेक्स्ट अपडेट वगैरह में कहीं भी, कि हाँ भाई आगे से हमें इस चीज़ को यूज करना है ताकि हमें अच्छा ज़्यादा रिजल्ट है और वो भी मिल सके। तो ये कुछ बेसिक बातें बताएंगी। इसके बाद में बात आर्टिकल ये कह रहा है कि देखो, ये जो बड़ा डाटा होता है ना बिग डाटा, इसको काफी चैलेंजिंग भरा काम होता है, ऐसा आसान नहीं होता कि इस डाटा को आराम से आप रिव्यू कर सकते हो और एनालिसिस कर सकते हो। क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर बिग डाटा को आप एनालिसिस करो तो उस टाइम पे आप इन्फॉर्मेशन प्रॉपर ढंग
से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी चाहिए वो आप इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाते हो और आप उसकी केवल एक ही डायमेंशन को देखते हो, तो उस कंडीशन में बिग डाटा का जो मेथड है वो काफी रिस्की भरा हो जाता है, मतलब रिस्क का वो काफी ज्यादा होता है। तो अगर रिस्क काफी ज्यादा हो रहा है तो हमें डाटा का लॉस है, नुकसान है, वो हो सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देता है गूगल का, कि गूगल का एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था गूगल फ्लू ट्रेंड। गूगल फ्लू ट्रेंड था क्या? देखो, गूगल का द्वारा ये प्रोजेक्ट 2008 में लेके आ गया था। इस प्रोजेक्ट का मेन मोटो ये था कि भाई गूगल है वो ये चीज देखेगा कि अगर सर्च इंजन में, जैसे गूगल का सर्च इंजन नाम है इस चीज का पता है, तो अगर लोग किसी भी फ्लू के बारे में ज्यादा सर्च करें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वहां पे वो फ्लू हो रखा है, इसलिए लोग उसके बारे में ज्यादा सर्च कर रहे हैं। तो गूगल ने ये तरीका अपनाया, गूगल ने ये टेक्नोलॉजी या गूगल ने ये मेथड करते हुए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया कि भाई जिस एरिया में अगर लोग ज्यादा फ्लू वगैरह के बारे में, किसी के बारे में, डिजीज के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो उसका मतलब वहां के लोग इस चीज से पीड़ित हैं और इसलिए वहां पे फिर आगे फ्यूचर में उसका महामारी वगैरह के रूप में यूज कर सकते हैं प्रॉपर स्टेप उठाने के लिए। बट आर्टिकल ये कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट है पूरी तरीके से फेल हो गया था। 2011 के टाइम पे देखा जाए तो पूरे तरीके से फेल हुआ, और 2013 के टाइम पे तो 140% जो गूगल की जो उम्मीद थी वो फेल हो गई थी, मतलब 140% डाटा वो गलत निकल गया था। ये सारी बातें की जा रही है। तो इससे हुआ क्या, इससे एक चीज सामने आ रही है कि जब इतनी बड़ी कंपनी है उसके बाद वो भी एनालिसिस प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाई है, तो काफी रिस्की भरा काम है और काफी चैलेंजेज होते हैं, काफी इतना आसान काम नहीं है जितना सोचा जा रहा है। अब देखो इसके लिए कुछ कारण भी हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से फेल होते हैं। अब देखो, आप कॉमन सी बात एक ही सोचते हो कि गूगल का प्रोजेक्ट अच्छा था, नो डाउट गूगल फ्लू ट्रेंड अच्छा था, कोई कमी नहीं थी। बट आप ये देखते हो कि फ्लू कई बार तो ऐसा होता है कि लोग जानबूझ के सर्च करते हैं कि भाई ये फ्लू होता क्या है। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं टेस्ट करवाते हैं, तो 90% टेस्ट है उसमें तो क्या है, रिपोर्ट नेगेटिव ही होती है, बट फिर भी हम हमारी सेफ्टी के लिए टेस्ट करवाते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि 100 में से अगर 90 लोगों ने गूगल पे सर्च किया कि भाई ये स्वाइन फ्लू कैसे हो रहा है, तो इसका मतलब उन लोगों को स्वाइन फ्लू है। तो सर्च करने से थोड़ी भी चीज का कंफर्मेशन ना हो जाएगा। तो गूगल का जो तरीका था वो गलत था, गूगल को दूसरी अप्रोच है वो यूज करनी चाहिए थी। तो राइटर ये कह रहे हैं कि ऐसे क्या क्या रीजन है वो बता रहे हैं राइटर। तो राइटर सबसे पहले एक रीजन बता रहे हैं कि एक तो डाटा में कई बार क्या क्वालिटी नहीं होती है। अगर डाटा में क्वालिटी नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अच्छा रिजल्ट वो नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट फिर ये बता रहे हैं कई बार क्या होता है, टेक्निकल इश्यू होता है। टेक्निकल इश्यू आप इस तरीके से ले सकते हो कि जैसे कंपनी क्या कि पूरा डाटा एक तरीके से सारा डाटा कलेक्ट तो कर लिया, और उस डाटा को प्रॉपर ढंग से एक तरीके से ढंग से रख नहीं पाई है, कोई डाटा करप्ट वगैरह हो गया, तो आ गया टेक्निकल रीजंस। इसके बाद में ये आती है कि कई बार अनरिलायबल सोर्स का यूज किया जा रहा है, मतलब जो भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है वो ऑथेंटिक नहीं होता है, फर्जी डाटा होता है, फेक डाटा होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं आगे रिसर्च में काम नहीं आता है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, वो आता है कि जो लार्ज लेवल पे जो डाटा होता है उसको कई बार क्या होते हैं, समझ नहीं पाते कि वो डाटा है कैसा। तो अगर जब तक हम इस डाटा को समझ नहीं पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि डाटा की क्वालिटी कैसे, किस तरीके का डाटा है और कहां इसका यूज कर सकते हैं, तो भी हमारे लिए वो नुकसानदायक ही है। और फिर अगला पॉइंट जाता है कि रिसोर्सेज, कि कई बार रिसोर्सेज वो भी सही नहीं होते हैं तो उससे भी हमें नुकसान होता है, और कई बार होता है कि कॉर्पोरेशन है, मतलब सहयोग है, वो भी सही ढंग से नहीं होता है। तो ये कुछ रीजंस दिए गए हैं, आप इन रीजंस को नोट डाउन कर सकते हो। देखो वैसे आपको जो सारे पॉइंट्स हैं ये नीचे जो अभी मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा वहां पे आपको मिल जाएंगे इजीली, उसमें कोई आपको परेशान होने की दिक्कत नहीं है, आप पर भी इनको नोट डाउन वो कर सकते हो। अब देखो फिर आगे आर्टिकल ये कह रहे हैं कि बिग डाटा है वो, उसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई बात नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्फॉर्मेशन बहुत सी होती है, बट उस इन्फॉर्मेशन को हमें निकालने के लिए बहुत सारी मेहनत वो करनी पड़ती है, काफी रिसर्च वगैरह वो करनी होती है, तभी हम उस डाटा को निकाल पाते हैं। ऐसा नहीं कि उस डाटा को हम इजिली एक तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। उस डाटा के लिए हमें सबसे बड़ी बात तो ये होती है एनालिसिस पे फोकस करना होता है, नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना होता है, तभी उस डाटा का हम यूज है वो कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में आर्टिकल कंक्लूजन में ये कह रहा है कि देखो इंडियन गवर्नमेंट को सबसे बड़ी बात तो एनालिसिस पे फोकस करना होगा, क्योंकि देखो इंडियन गवर्नमेंट भी इस डाटा का यूज कर सकती है आगे कोई भी डिजीज वगैरह होने में, या फिर पॉलिटिकल पार्टी भी इस डाटा का यूज करती है कि भाई लोगों के मन में किस तरीके की डिमांड है, लोग क्या क्या चाहते हैं। इसके बाद में बात आती है कि जिस तरीके से एक माइनिंग इंजीनियर होता है वो माइंस को डिजाइन करता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे में रास्ते बनाना है और ऐसे ऐसे माइनिंग है वो करनी है, तो उसी तरीके से बिग डाटा को एनालिसिस करने के लिए प्रॉपर ढंग की रिसर्च से वो होनी चाहिए, ताकि जैसे लॉजिकल रीजनिंग पे फोकस करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल है उसको आगे बढ़ाना होगा, इसके बाद में लॉजिकल थिंकिंग है उसको आगे मिल जाना होगा, और इसके बाद में बात आती है कि एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस भी काफी मैटर करता है कि भाई आपका एक्सपीरियंस किस तरीके का है। जैसे एक्सपीरियंस बंदा हो या एक्सपीरियंस जिसको होता है वो आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है कि इस डाटा का मतलब क्या, डाटा का कंक्लूजन क्या हो सकता है, तो उसी तरीके का ये मेथड है हमें यूज है करना चाहिए।
तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट। और फिर लास्ट में एक पॉइंट ये आता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि देखो बिग डाटा को अगर एनालिसिस करना होता है तो सॉफ्टवेयर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो यानी कि हर इंसान ने नोटबुक लेके बैठ जाएंगे, फिर एनालिसिस करेंगे कि अच्छा भाई ये चीज़ है डिमांड में है। हमें पूरा डाटा डिजिटल होता है तो उस डाटा को एनालिसिस करना है तो एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए पूरे अच्छा जो कि उस डाटा को एनालिसिस कर सके। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है ये मेनली यहाँ पे तो आया है वो है पेलेस्टीन की यात्रा को लेके। तो इस आर्टिकल में कुछ दो तीन पॉइंट है वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल मतलब भारत के प्रधानमंत्री की पेलेस्टीन यात्रा को लेके आया था और कल भी इस आर्टिकल के एक दो पॉइंट है वो हमने डिस्कस किए थे। तो ये मेनली GS2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो भारत के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है पेलेस्टीन को लेकर जो काफी अच्छी रही, और ऐसा लास्ट ईयर भी पहली बार हुआ था कि जब भारत के प्रधानमंत्री थे वो इसराइल की यात्रा पे गए थे। मतलब इन 2017-18 में पहली बार हुआ है कि जब भारत के प्रधानमंत्री इसराइल यात्रा पे भी गए और पेलेस्टीन में। और ये चीज हम जानते हैं कि इसराइल और पेलेस्टीन में दोनों में एक तरीके से 36 का आंकड़ा, मतलब दोनों में बिल्कुल नहीं बनती है, उसके बावजूद भी इंडिया ने दोनों के बीच में एक तरीके से रिलेशन है या दोनों के बीच में बैलेंस है वो बनाने की पूरी कोशिश की है, और उस दिशा में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो सफल भी हो पाए हैं। अब देखो बात ऐसी होती है कि UN के अंदर हमने देखा था कि जो जेरूसलम को कैपिटल बनाया गया था, मतलब मुद्दा था, उस मुद्दे को इंडिया ने एक तरीके से विरोध किया था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मतलब हुआ क्या कि इंडिया ने इसराइल का मुद्दे का विरोध किया, इंडिया ने इसराइल का फेवर है सपोर्ट है वो नहीं किया। उसके बावजूद भी यात्रा थी जो इसराइल के प्रधानमंत्री की इंडिया पे वो काफी सफल थी। तो सेम उसी प्रकार जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो एक्चुअली अभी पैलेस्टाइन की यात्रा पे गए, उसके बाद वहां पे उन्होंने काफी अच्छे पॉइंट्स नोट डाउन किए। तो देखो यहाँ पे एक दो पॉइंट्स आर्टिकल में एक तो ये आता है कि अगर हमें डेवलपमेंट का रास्ता चूज करना है, इंडिया डेवलपमेंट के रास्ते पे जा रहे हैं तो उसके लिए इसराइल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसराइल की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इसराइल के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया का काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ देखा जाए तो जो मिलिट्री वेपन्स वगैरह होते हैं उनके लिए भी इसराइल काफी अहम है। मतलब अगर डेवलपमेंट करना है इंडिया को तो इसराइल के रूट से होके जाना होगा, और अगर वहीं हमें ग्लोबल लीडरशिप या ग्लोबल पावर बनने का सपना पूरा करना है तो वो रूट होके जाता है पेलेस्टीन से। तो मतलब बात यह है कि हमें दोनों कंट्रीज के बीच में बैलेंस बना के चलना होगा, तभी हमारा जो रिजल्ट है, तभी हमें जो मुकाम है वो हासिल हो सकता है। तो इसलिए ग्लोबल लीडरशिप का रास्ता वो पेलेस्टीन से होके जा रहा है, और ग्लोबल जो इंडियन डेवलपमेंट का रास्ता है वो होके जा रहे हैं इसराइल से, क्योंकि इसराइल की टेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप की बात इसलिए आती है पेलेस्टीन में क्योंकि देखो पेलेस्टीन को अगर इंडिया उस सपोर्ट नहीं करेगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया मुस्लिम जो कंट्रीज है उनके विरुद्ध हो रहे, तो उस चीज का नेगेटिव माइंड जाएगा लोगों के दिमाग में और उसका कहीं ना कहीं हमें लॉस या नुकसान है वो हो सकता है। तो उन सारी चीजों को फोकस करना होगा, ह्यूमैनिटेरियन जो लॉ है उनका भी इंडिया हमेशा से फॉलो करता हुआ है, तो इंडिया की सॉवरेंटी के भी खिलाफ हो जाएगा। तो इसलिए इंडिया को दोनों के बीच में बैलेंस है, इक्वल बैलेंस है वो बना के रखना होगा। इसके बाद में आर्टिकल ये कह रहा है कि ये यात्रा काफी सफल रही थी और इससे इंडिया को फ्यूचर में काफी ज्यादा फायदा होगा। तो ये था कुछ आर्टिकल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब चलते हैं हम आगे। सॉरी कोल्ड की वजह से काफी दिक्कत हो रही है। अभी देखते हैं इस आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल है मेनली ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेके है। इस आर्टिकल की शुरुआत मेनली होती है वो होती है भारत के जो करंट प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि हाँ भाई जो बंटवारा हुआ था भारत पाकिस्तान का उसके लिए गांधी जी जिम्मेदार थे, और जो जम्मू एंड कश्मीर का जो इश्यू था उसके लिए जिम्मेदार थे नेहरू। ये सारा था, तो वो सारी तो हमें डिस्कस हमारे लिए काम का मुद्दा है नहीं। हमारे लिए काम का जो मुद्दा होता है GS1 में वो इम्पोर्टेंट आता है कि भाई भारत का विभाजन को लेके, तो वो हम देख लेते हैं क्या क्या सीन है पूरा। देखो राइटर साहब का ये कहना है कि जो हिस्ट्री में जो सब हो गया ना वो हो गया, उसका कोई लेना देना नहीं है कि अब अगर पहले ऐसा होता तो आज हम ऐसे करते, अगर पहले मैंने ये कर लिया होता, जैसे वो ही बात है अगर अभी हम नहीं पढ़ेंगे तो बाद में हमें ये कहना होगा अगर पहले पढ़ लेते तो फिर हम IAS बन जाते। तो सेम वही सा एग्जांपल है कि इससे अच्छा है कि जो कर रहे हो वो ठीक है, जो हो गया वो भी अच्छा है और जो होगा होगा वो भी अच्छा है, बट हम अच्छा है वो कर सकते हैं। तो उस चीज को खैर चलो आर्टिकल की तरफ चलते हैं दुर्दनी। तो आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि हिस्ट्री में जो हुआ वो कोई बात नहीं हो गया, बट अभी हमें आगे अच्छे की तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखो नेहरू का जो मॉडल था, नेहरू नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, नेहरू चाहते थे कि एक सेंट्रलाइज इंडिया है उसका निर्माण हो, एक एकीकृत भारत है, एक केंद्रीकृत भारत है उसका निर्माण हो, और वहीं जिन्ना साहब ये चाहते थे कि एक फेडरल कंट्री का निर्माण हो। तो दोनों के कोई ऐसे आइडिया थे नहीं कि विभाजन की बात हो, बट उस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस ऐसी होगी, रीजन अलग अलग थे, वो सारी बातें अलग हैं। और उस टाइम पे आर्टिकल जो रीजन बता रहा है, आर्टिकल सबसे बड़ा कारण ये बता रहा है कि धर्म धार्मिक जो डिवाइडेशन था वो सबसे बड़ा रीजन था, कि धर्म लोगों को धर्म के नाम पे डिवाइड किया गया था, वही हमारे देश के विभाजन का एक अहम कारण था। जैसे कि राइटर ये कह रहे हैं कि उस टाइम पे हो क्या रहा था,
अंग्रेज महाशय थे वो भी इंडिया को डिवाइड कर रहे थे धर्म और जाति के आधार पे। अब देखो अंग्रेज डिवाइड इंडिया को इसलिए कर रहे थे क्योंकि अंग्रेजों को फायदा यह था कि अगर वो इंडिया के लोगों को आपस में बांट के रखते हैं तो इंडिया के लोग क्या होंगे, आपस में एक जगह नहीं होंगे। अगर लोग एक जगह नहीं होंगे तो मतलब वो अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो इसलिए अंग्रेजों की रोटी है वो इंडिया में सिकती रहेगी। इसलिए अंग्रेज है वो इंडिया के लोगों को डिवाइड करके चले थे। इवन ऐसी बात है कि अंग्रेजों ने इंडिया में डिवाइड एंड रूल का मेथड अपनाया था। अंग्रेज जहां भी गए उन्होंने सब जगह यही मेथड अपनाया कि अपने दुश्मन को बांट दो, फिर उसे एक एक को पकड़ के मारो ताकि हमारा काम में वो बन जाए। और इसी मेथड को उन्होंने आगे बढ़ाया और ये भी एक मेथड जिम्मेदार है। अगला जो पॉइंट आता है वो होता है धार्मिक, कि देखो पॉलिटिकल पार्टियां, ये कॉन्सेप्ट आज भी ले सकते हो और पहले भी ये था कि पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती हैं, इलेक्शन आते हैं तो उस टाइम पे वो क्या करती हैं, उनको वोट चाहिए होते हैं अपनी सत्ता को, मतलब अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहती हैं, तो इसलिए वो क्या स्टेप उठाती हैं कि धर्म का सहारा लेते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ये कर देंगे, अगर हम सत्ता में आए तो इस धर्म के लिए हम ऐसा काम करेंगे। तो देखो लोग हैं उनके दिमाग में धर्म का मुद्दा आता है तो लोग क्या करते हैं उस मुद्दे को लेकर काफी हावी हो जाते हैं। और वही बात आइडिया हुआ था आजादी के टाइम। ऐसी बात नहीं कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी यूज करती है इस धर्म के मेथड को, सभी पॉलिटिकल पार्टियां धर्म के मुद्दे को यूज करती हैं। बट दिक्कत तब होती है जब उस मुद्दे को यूज कर लिया जाता है और जब इलेक्शन हो जाते हैं और उसके बाद उस मुद्दे को और ज्यादा तवज्जो दी जाती है, मतलब वो मुद्दा कम नहीं होता है, वो मुद्दा और ज्यादा हावी होता रहता है और उससे हमारे देश को ही नहीं पूरे सभी लोगों को नुकसान है वो होता है। और एक जो गलत वैल्यू है पूरे विश्व में वो जाती है, मतलब मानवता के वो कहीं ना कहीं खिलाफ होता है। अब देखो सभी लीडर्स हैं वो अपने आप को हेड मानने की कोशिश करते हैं, तो मतलब अपने आप को लीड के तौर पे शामिल करने के तौर पे क्या करते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं कि हम पार्टी में आएंगे तो इस बार हम ये काम है वो करेंगे। इसके बाद में देखो क्योंकि इलेक्शन से पहले सभी धर्म को लेकर आइडेंटिटी एक अलग से आइडेंटिटी दी जाती है कि जैसे हम हमारी ये सरकार आएगी तो इस ये सरकार है मेनली इस सब पार्टी की, सॉरी ये सरकार आएगी तो ये गरीबों के लिए, गरीबों का नाम लिया जाता है मेनली, कहा जाता है कि अगर हम आए तो हम मुस्लिमों के लिए करेंगे, हिंदुओं के लिए स्टेप उठाएंगे, तो वो आप धर्म को आपस में धर्म का यूज किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे देश को डिवाइड करने के लिए अहम कारण था। तो मेनली राइटर के द्वारा दो रीजन दिए जाते हैं, पहला तो था अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति, दूसरा कॉन्सेप्ट था वो था धार्मिक कि धर्म का यूज किया जा रहा था इलेक्शंस वगैरह में और लोगों को बांटा जा रहा था। तो लोगों को जब एक बार बांट दिया गया तो उसके बाद उनके धर्म में वो देखो लोगों का सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ होता है, तो अगर एक बार लोग बट ही गए तो फिर आपस में एक कैसे हो पाएंगे, तो वही सबसे बड़ी समस्या सामने आती है। उसके बाद में देखो राइटर ये कह रहे हैं कि आज जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पावर्स हैं वो इसी का यूज कर रही हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि उसने ऐसा किया, इस पार्टी ने ऐसा किया। इवन सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस कॉन्सेप्ट का यूज करती हैं तो वो हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होता जा रहा है। और लास्ट में राइटर ये कह रहे हैं कि ये जो धर्म के नाम पे जो गंदी राजनीति होती है, जो धर्म के नाम पे लोगों में एक भूत घुस जाता है फिर कि नहीं नहीं भाई ये पार्टी हमारा सपोर्ट करेगी, ये पार्टी हमारे लिए अच्छा काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है लास्ट में। और रिजल्ट ये होता है कि जो हमारे देश का वन यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि एक भारत का, उसको कहीं ना कहीं हमें नुकसान होता है। तो एक भारत के कॉन्सेप्ट को अगर नुकसान हो रहा है तो वो मतलब हमें ही नुकसान है वो हो रहा है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है मेनली यहाँ पे एक आर्टिकल आया था, इस आर्टिकल में मेनली पॉइंट है वो होते हैं GS3 के लिए, है मेनली एनवायरनमेंट से रिलेटेड आया, ये पर्यावरण से रिलेटेड इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट है। तो देखो इस आर्टिकल में पॉइंट क्या क्या वो देखते हैं। सबसे पहले इस आर्टिकल में बात की गई है वो की गई है फॉरेस्ट एरिया की, कि अभी जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 आई थी उसकी बात की गई है, जो कि 2 सालों में एक बार रिपोर्ट आती है, जिसमें प्रीलिम्स में भी डिस्कस किया था। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो जो फॉरेस्ट का एरिया है हमारे देश में 1% बढ़ गया है, काफी अच्छी तारीफ लायक बात है कि भाई बहुत बढ़िया हुआ हमारे देश में फॉरेस्ट का एरिया है अब हो गया 24.39 या 24.4% के आसपास। अब देखो राइटर ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है फॉरेस्ट का एरिया बढ़ा है, बट वहीं कुछ ना कुछ चैलेंज भी है और कुछ ना कुछ हमें नुकसान भी है। अब देखो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में क्या हुआ है कि फॉरेस्ट का एरिया वो कम हुआ है, और राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ वाले एरिया में क्या फॉरेस्ट का एरिया बढ़ा है। तो आप एक कॉमन सी बात आप ये देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट में जो क्वालिटी थी वो वहां पे कम हो गई है, और राजस्थान हरियाणा पंजाब इन एरिया में अगर फॉरेस्ट बढ़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट की जो स्पीसीज थी वो तो कम हो गई ना, हरियाणा राजस्थान पंजाब या जो भी आप स्टेट लगे हो छत्तीसगढ़ झारखंड, अगर यहाँ पे जो फॉरेस्ट का एरिया बढ़ रहा है तो यहाँ पे तो यहाँ वाली डाइवर्सिटी वही बढ़ेगी ना, यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनका एरिया ही बढ़ा है ना कि नॉर्थ ईस्ट का, तो कहीं ना कहीं हमें बायोडाइवर्सिटी का लॉस तो हुआ है ना। ऑल ओवर फॉरेस्ट बढ़ा हुआ या ना बढ़ा वो कोई बात नहीं है, बट फॉरेस्ट कंपनसेशन का मेथड यहाँ पे सक्सेस ढंग से अप्लाई वो नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो स्पेसिस थी या नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो पेड़ पौधों की प्रजाति थी वो अपने आप में काफी अलग थी, काफी विविधतापूर्ण थी, जबकि वहीं पर देखा जाए तो झारखंड में अगर राजस्थान में हरियाणा में पंजाब में जो क्वालिटी थी पेड़ पौधों की वो काफी अलग है। तो यहाँ तो पेड़ पौधों का ऑल ओवर नुकसान हुआ तो उसके भरपाई थोड़ी कर देगा कि इस वाले एरिया में जो पेड़ पौधे हैं वो।
इसके बाद में राइटर ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट का दायरा वो भी काफी अलग अलग होता है। कई जगह तो ऐसा होता है कि फॉरेस्ट है, जैसे कि काफी जो लैंड का, जैसे मान लो कि इतना बड़ा एरिया है, अगर इस एरिया के इतने से भाग में भी फॉरेस्ट है तो भी उसको पूरे एरिया को फॉरेस्ट का एरिया वो माना जाता है। तो एक तो फॉरेस्ट का जो मानक है वो इंडिया में सही नहीं है, एक तो हमें जो मानक स्टैंडर्ड वगैरह वो ठीक करने होंगे। हाँ, ये बात अच्छी है कि इंडिया ने इस बार जो फॉरेस्ट का जो भी एक तरीके से डाटा लिया है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के आधार पर लिया है, मतलब जीपीएस वगैरह का यूज किया है, तो वो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने टेक्नोलॉजिकल डाटा का यूज है वो किया है। इसके बाद में ये बात आती है कि फॉरेस्ट के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जनरल जो गुण होते हैं, उन पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि सबसे बड़ी बात है कि नॉर्थ ईस्ट का जो फॉरेस्ट है उसकी डाइवर्सिटी काफी ज्यादा होती है, वहां पे पेड़ पौधों की बहुत अलग स्पीसीज पाई जाती है, और जो मैली हरियाणा राजस्थान के एरिया में अलग स्पीसीज पाई जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि वहां पे तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट के एरिया में मेनली सदाबहार फॉरेस्ट पाए जाएंगे, और वहीं पर देखा जाए तो वेस्ट जो इंडिया है, राजस्थान हरियाणा पंजाब वाले, इस एरिया में फॉरेस्ट पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे सूखे एरिया के पेड़ पौधे। तो कहने के डाइवर्सिटी का तो लॉस हुआ ना, कि एक साइड की डाइवर्सिटी है वो तो बढ़ गई है और एक साइड की डाइवर्सिटी वो घटी है, तो ये चीज हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसके बाद में बात ये आती है कि एक जगह फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है और दूसरी जगह अगर फॉरेस्ट बढ़ रहा है तो उससे क्वालिटी में तो कमी आई आई है, और इसी के साथ जो तो कैंपा फंड है उसका भी कहीं ना कहीं गलत यूज हो रहा है। क्योंकि देखो कि हाँ, उसका भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे सबसे एग्जाम्पल आप सकते हो कि साउथ का या वेस्टर्न घाट का, कि अगर वेस्टर्न घाट में कोई प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है तो वहां पे जो स्पीसीज है, कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो इंडेमिक होती हैं, तो वो स्पीसीज केवल पर्टिकुलर उसी एरिया में पाई जाती हैं। अगर उस एरिया में कोई फॉरेस्ट को काट दिया गया और वहां पे नई बिल्डिंग वगैरह बना दी गई, और उसके बाद अगर वही वो फॉरेस्ट है उसको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जाएगा, मतलब क्या है कि दूसरी जगह पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, तो ऑब्वियसली दूसरी जगह पेड़ पौधे लगेंगे तो उनमें क्वालिटी का कुछ ना कुछ इश्यू तो रहेगा, कि मतलब वो उतनी क्वालिटी नहीं होगी, वहां पे दूसरी तरीके के पेड़ पौधे वो लगाए जाएंगे। अब वही बात है कि जैसे पेड़ पौधे वेस्टर्न घाट में होंगे वैसे पेड़ पौधे ऐसा तो नहीं है कि वो हरियाणा के एरिया में लगा देंगे, राजस्थान के एरिया में लगा देंगे, कि वहां तो पेड़ पौधे नहीं पनप पाएंगे, तो उससे पेड़ पौधों की प्रजाति का नुकसान हो रहा है, और जो डाइवर्सिटी होनी चाहिए थी पेड़ पौधों की उसका भी डिग्रेशन है वो हो रहा है। और इससे होता क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं वो क्लाइमेट चेंज के प्रति अपना अच्छा बिहेव नहीं दिखा पाते हैं, जैसे कि फ्लड वगैरह आती है तो उस टाइम भी वो अच्छा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्लाइमेट के लिए भी अच्छा रिजल्ट है उन्हीं सामने आ पाता है। तो मतलब बात यह है कि कैंपा फंड से भी जो नेचुरल फॉरेस्ट है उनका नुकसान है वो हो रहा है। और लास्ट में बात आती है कॉन्क्लूजन की, तो कॉन्क्लूजन में देखो ये कहा जा रहा है कि जो फॉरेस्ट प्रोग्राम है इंडिया का उसको हमें रिव्यू है वो करना होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि रिव्यू करना होगा। इसके बाद में ये अगला पॉइंट आता है कि जो मोनोकल्चर प्लांटेशन है इस पे फोकस करना होगा। मोनोकल्चर प्लांटेशन का मतलब ये है कि भाई जैसे वेस्टर्न घाट से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं वहां से, तो वो कि वो स्पीसीज है वो तो दूसरे एरिया में उगाई नहीं जा सकती, तो दूसरी स्पीसीज उगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। हमें अगर एक जगह से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं तो सेम उसी तरीके के पेड़ पौधे उसी के नियर बाई एरिया में हमें सेटलमेंट करना होगा, ताकि जो पेड़ पौधों की डाइवर्सिटी है उसको लॉस ना हो। इसके बाद में बात यह कि देखो डेवलपमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट सभी कंट्रीज के लिए डेवलपमेंट है वो बहुत अहम है, बट डेवलपमेंट के चक्कर में ऐसा नहीं है कि हम हमारे नेचर के साथ खिलवाड़ करें, तो इसलिए हमें डेवलपमेंट के साथ साथ नेचर को फोकस करना होगा। और इवन यहाँ गए तो नेचर को हमें सहेजकर संभाल कर रखते हुए डेवलपमेंट का रास्ता है वो चूज करना होगा, और जो लोकल स्पीसीज होती है उनको ज्यादा फोकस करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम बाहर की पेड़ पौधे फॉरन की जो स्पीसीज है उनको इंडिया में सदाबहार के तौर पर यूज कर ले, क्योंकि वो हमारे क्लाइमेट को और हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जो डिस्कस किया। तो सबसे पहले इस बार हम रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये आर्टिकल देखा यहाँ पे, ये मैंने बिग डाटा से संबंधित था कि किस तरीके से बिग डाटा है उसका काफी चैलेंजिंग भरा काम होता है और उसको एनालिसिस करना काफी अहम हो जाता है और उसके क्या क्या फायदे होते हैं। इसके बाद में हमने यहाँ पे आर्टिकल देखा कि भारतीय प्रधानमंत्री की पैलेस्टीन यात्रा थी तो उसमें क्या क्या पॉइंट सामने थे, और बाद में हमने यहाँ पे देखा मैंने इन्वायरमेंट से संबंधित जो आर्टिकल था कि भाई जो अभी फॉरेस्ट वाला एक्ट है इसके बारे में हमने पूरा पॉइंट डिस्कस किए। और इसके सबसे पहले जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था वो बिग डाटा का आर्टिकल यहाँ था, और यहाँ डेमोक्रेसी का था वो हमने डिस्कस किया कि भाई भारत के अंदर किस तरीके से जो बांटो का अंग्रेजों के द्वारा बांटो और राजकुलों की नीति का मेथड यूज किया गया था और आज उसके क्या नुकसान भी हो रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स हमने वहाँ पे देखे। तो आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।